हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट टेक चैनल अनिकेत टेक। दोस्तों, आप जिस शहर में, जिस गांव में या फिर जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके आसपास आपने मोबाइल टावर्स तो जरूर ही देखे होंगे, लेकिन दोस्तों मोबाइल टावर में दो ऐसे लंबे लंबे और ये गोल गोल सा लगा होता है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस सारा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेक से रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डेली मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे लंबे वाले एंटीना के बारे में जो आप मेरे बगल पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम होता है GSM एंटीना। इसके दोस्तों सिर्फ दो ही काम होते हैं, एक फोन कॉल को रिसीव करना, एक फोन कॉल को ट्रांसफर करना, यानी कि ये रिसीवर और एब्जॉर्बर दोनों का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, आप किसी के पास कॉल जब करते हैं, अपने दोस्त के पास आप कॉल कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल फोन से सीधा ये कनेक्ट होगा टावर के थ्रू और ये आपके प्रोसेस करके आगे आपकी कॉल को फॉरवर्ड करेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है तो वो भी इसी के थ्रू आती है, क्योंकि यही उस इनकमिंग कॉल को आप तक ट्रांसफर करके पहुंचा पाता है। यानी कि ये दोनों काम, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का काम ये लंबा वाला एंटीना ही करता है। फ्रेंड्स, जो ये गोल वाला एंटीना होता है इसके बारे में लोग कुछ ज्यादा ही जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे समझा पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी मैं दिल्ली में हूँ और मुझे कॉल करनी है अपने दोस्त के पास यूपी में, जो कि यूपी के किसी शहर में बैठा हुआ है, जैसे कि वो लखनऊ में है। तो दोस्तों, अगर उस मेरा जो दोस्त लखनऊ में है, उसने जो आइडेंटिटी दे रखी है, अपना जो नंबर ले रखा है, वो लखनऊ के एड्रेस पे ले रखा है, तो जो उसकी लोकेलिटी शो करेगी 100 रुपये, वो लखनऊ होगी। और सपोज दैट कि वो लखनऊ में नहीं है, यूपी के किसी दूसरे शहर चला गया है, जैसे कि वो वाराणसी चला गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने दिल्ली से कॉल लखनऊ के लिए लगाई तो वो लखनऊ के टावर तक पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पर उपलब्ध नहीं है, अपने लोकल होम टाउन पे वो नहीं है, तो वहां से उसकी कॉल ट्रांसफर होगी वाराणसी। वो ट्रांसफर कैसी होगी, जो ये गोल वाला एंटीना देख रहे हैं आप बगल में, इसका काम ही होता है कि एक टावर से दूसरे टावर तक कम्युनिकेशन को बरकरार रखना। दोस्तों, इसका काम वहां पर स्टार्ट हो जाएगा और ये लखनऊ की कॉल को ट्रांसफर करके वाराणसी कर देगा, जिसके जरिए मैं दिल्ली से वाराणसी सीधे बात कर पाऊंगा। बीच में लखनऊ का जो सर्वर पड़ा, वो कॉल को फॉरवर्ड करके वाराणसी के उस टावर पर संपर्क कर देगा, जहां पर मेरा दोस्त अभी फिलहाल खड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस चीज को थोड़ा समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। उसका एक ही काम होता है कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से चलाना। दोस्तों, ये एक आसान भाषा में इसको कंप्लीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी।